करीब 50 साल पहले स्पेस वॉर की सुगबुगाहट तेज हुई थी। तब अमेरिका और सोवियत संघ आमने सामने थे। आज सोवियत संघ तो नहीं है, लेकिन अमेरिका के नए ब्रह्मास्त्र ने दूसरे देशों की पेशानी पर पसीने ला दिए हैं। यह चिंता सबको सता रही है कि कहीं ये सुपर मिसाइल और बड़ी बर्बादी का कारण तो नहीं बन जाएगी। युद्ध का तरीका बदल रहा है। अब लड़ाइयां जमीन पर नहीं बल्कि आसमान में लड़ी और जीती जाती हैं। इसीलिए अमेरिका ने जब हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल X-51 तैयार करने की योजना बनाई है। जानकारों को लगता है कि कहीं ये 1960 के दशक में अमेरिका और तत्कालीन सोवियत संघ के बीच शुरू हुए स्पेस वॉर को ही नए सिरे से दोहराना तो नहीं है। 1960 के दशक में सोवियत संघ और अमेरिका ने स्पेस वॉर का बिगुल बजा दिया था। तब रूस ने अल्माज नाम का प्रोजेक्ट शुरू करके अंतरिक्ष में ही सैटेलाइट्स की जांच और जरूरत पड़ने पर उनकी तबाही की जानकारी इकट्ठा करनी शुरू कर दी। जवाब में अमेरिका ने भी ब्लू जेमिनी नाम का प्रोजेक्ट शुरू किया। उसके तहत सैटेलाइट से आने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों के असर को आंकने के लिए अमेरिका ने अंतरिक्ष में विस्फोट भी किया था। तब दुनिया भर में इस पर हंगामा मच गया। दरअसल धरती पर लड़ाई में होने वाली मुश्किलों और युद्ध में सीधे फंसने से बचने के लिए सैटेलाइट के जरिए हमले की रणनीति बनाई गई। मकसद साफ था कि अपने सैटेलाइट से दूसरे देश के सैटेलाइट को बर्बाद कर दो ताकि उसकी पूरी व्यवस्था चरमरा जाए। अब सबसे जबरदस्त क्रूज मिसाइल की योजना बनाकर अमेरिका ने एक बार फिर स्पेस वॉर की आहट पैदा कर दी है। आज तक ब्यूरो।